राज्यसभा सांसद दिग्विजय के वचन निभाने वाले ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा कि यह अपरोक्ष रूप से कमलनाथ पर कटाक्ष है। केंद्र ने अपने हर वचन को निभाया है। 370 राम मंदिर बनाने या फिर 3 तलाक, केंद्र सरकार अभी सभी वचनों को निभाया है। राज्य सरकार ने भी अपने सभी वादों को निभाया है, लेकिन कमलनाथ ने अपने किसी भी वचन को पूरा नहीं किया। वहीं बासमती चावल की जीआई टैगिंग को लेकर छिड़े विवाद पर गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ की दो मुही राजनीति यहीं देखने को मिलती है। कांग्रेस की विधानसभा सीटों की शुद्धि करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्मशुद्धि करना चाहिए। सरकार अब सिर्फ एक दिन रविवार का लॉकडाउन करेगी। वेबिनार को लेकर मंत्री ने कहा कि हम सेमिनार की जगह वेबिनार कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी में भी हमारी सरकार विकास के बारे में लगातार सोच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये उसकी परिकल्पना है। सेमिनार होती थी या वेबिनार है, इस महामारी के दौर में हम किस तरह से वेबिनार के माध्यम से भी प्रदेश के हितों की चिंता करें और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना सके, ये सोच माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का है। आत्मशुद्धि करना चाहिए इनको। वास्तव में वो जो कांग्रेस है उसको शुद्ध करके गए, अब इनको स्वयं का शुद्धिकरण अभियान चलाना चाहिए। वो तो पहले से ही शुद्ध है। बासमती चावल में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हैं और समर्थन पंजाब की सरकार के अमरिंदर सिंह जी का विरोध किया नहीं है आपने। ये क्या किया है आपने? स्पष्ट स्टैंड लीजिए आप। आप लगातार धोखा दे रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान को, ये एक और धोखा है। शनिवार और इतवार दो दिन का भोपाल सहित जहां जहां भी लॉकडाउन था उसे अब इतवार का कर दिया है, सिर्फ संडे का। 8 बजे तक दुकान खोलने का था, 7 बजे से बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी, इसलिए अब उसे बढ़ा के रात्रि 10 बजे तक होटल रेस्टोरेंट खोलेंगे और रात्रि 10 से सुबह 5 तक कर्फ्यू लागू रहेगा। विपत्ति काल आपत्ति काल में भी हम अगर निर्माण की सोचते हैं, विध्वंस काल में भी अगर निर्माण की सोचते हैं, तो ये एक सार्थक पहल है। हमने 5-5 कृषि कर्म पुरस्कार मध्य प्रदेश के अंदर पाए हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा सर्वाधिक शिवराज सिंह जी चौहान के समय में बढ़ा। दिग्विजय सिंह के समय में बीमारू प्रदेश मिला था, उसे बीमारू प्रदेश से निकालकर विकासशील प्रदेश बनाया और विकासशील प्रदेश विकसित प्रदेश कैसे बने, इस दिशा में आज की वेबिनार मील का पत्थर साबित होगी। ऐसी